हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे स्पेलिंग और ग्रामर कैसे यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में। तो मैं एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करता हूं। तो यहां मैं कुछ टाइप करूंगा अभी, अभी तो सब कुछ ठीक ठाक दिखा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैंने जानबूझ के कुछ या गलती से या जानबूझ के आप कुछ स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो वो बताएगा रेड कलर में। तो जब भी रेड कलर आएगा वो होगा स्पेलिंग मिस्टेक। तो आप राइट क्लिक कर देंगे, उसके ऊपर राइट क्लिक किया तो वो सजेशन देगा क्या ऑप्शन है उसके लिए, तो आप सेलेक्ट करके उसे करेक्ट बना सकते हैं। और मैं एक और लिखूंगा माउंटेन, माउंटेन के टाइम में कुछ ऐसा लिखूंगा। आप देख सकते हैं ये भी गलत है, तो राइट क्लिक कीजिए तो देखिए ये बहुत ऑप्शंस दे रहे हैं, माउंटेन या मेंटेन या माउंटेन्स, क्या लिखना चाहेंगे हम? तो हम माउंटेन लिखना चाहेंगे तो माउंटेन सेलेक्ट कर सकते। ऐसे आप कोई लेटर की लिखा, बड़ा लेटर लिखा, उसके बाद आपने स्पेलिंग चेक करना भूल गया तो उसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकता है, तो वो रेड कलर से पता चल जाएगा आपको। अभी मैं कुछ नाम लिखता हूं, श्रीराम लिखा, हरीश, सुनील, ऐसे कुछ नाम लिखा, लेकिन वो बोल रहा है गलत है। लेकिन एक्चुअली ये सब नाम ठीक है, स्पेलिंग में कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये सिर्फ इंग्लिश डिक्शनरी जानता है, और जो इंडियंस नाम जा रहा था उसका पहचान नहीं है उसे। अभी देखिए गांधी जी लिखा तो भी पता नहीं चलेगा उसे, क्योंकि उस डिक्शनरी में ये सब नाम नहीं रहता है, तो इसलिए वो समझता है हमने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक किया है। तो हम इसको डिक्शनरी में डालना पड़ता है, तो राइट क्लिक कीजिए, यहाँ जाकर ऐड डिक्शनरी कर सकते हैं आप। हर एक को ऐड टू डिक्शनरी कहा, तो आप देख सकते थे कुछ सजेशन है तो वो बताएगा क्या सजेशन है। तो ऐसे अभी कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, यहाँ एक ग्रामर मिस्टेक है, बाद में देखेंगे हम, ग्रीन वाला ग्रामर मिस्टेक है। तो अभी मैंने फिर से अभी देखिए गांधी जी गलत दिखा रहा है, इसका मतलब है गलत नहीं, स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं है। अगर राइट क्लिक किया तो बताएगा डिलीट रिपीटेड, वो हमें वार्निंग दे रहा है कि हमें कुछ रिपीट टाइप कर दिया है, तो आप डिलीट कर सकते हैं या इग्नोर कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं लिखता हूं कुछ एक सेंटेंस, इट इज एप्पल। तो आप देख सकते हैं यहां ग्रीन में दिखाई दे रहा है कुछ, राइट क्लिक करने पर बताएगा उसके ऊपर एग्जैक्ट, उसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए, वो बता रहे हैं एक्चुअली हमें एन लिखना था। ये ग्रामर मिस्टेक है, ग्रामर में अगर कुछ गलती किया, हमें पूरा इंग्लिश सब नहीं जानते, सब में कोई ना कोई कमी होता है, तो अगर आप या कमी उससे भी कर सकते हैं या टाइपिंग मिस्टेक में भी मिस्टेक हो सकता है, तो अगर हम नहीं जानते तो हम वहां जाकर ग्रामर मिस्टेक ठीक कर सकते हैं राइट क्लिक करके। यहाँ भी ग्रामर मिस्टेक दिखा रहे हैं, राइट क्लिक कीजिए, तो ये दो स्पेस दे दिया हमने इसलिए वो ग्रामर मिस्टेक दिखा रहा है, तो आप सेलेक्ट कर सकते। देखिए ये अरीश, तो ये कैपिटल में डालने के लिए बोल रहा है तो डाल दिया, तो आप प्रॉब्लम नहीं देगा। ऐसे आप ग्रामर मिस्टेक्स और स्पेलिंग मिस्टेक्स सब कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हो, पहचान सकते हो रेड और ग्रीन मार्क से। अभी मैं कुछ टेक्स्ट यहाँ पेस्ट करता हूं। तो जैसे हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हेल्प में जाएंगे F1 दबा के, वहां जाकर डॉक्यूमेंटेशन में कुछ टेक्स्ट ऐसे ही सैंपल टेक्स्ट कॉपी करूंगा मैं, ये बहुत बार हमने किया है। तो यहाँ कंट्रोल वी किया हमने, तो इस टेक्स्ट में अगर मैं जानबूझ के कुछ गलतियां किया, स्पेलिंग मिस्टेक किया, आप देख सकते हैं यहाँ कर रहा हूँ स्पेलिंग मिस्टेक करते जा रहा हूँ, तो वो मुझे मिस्टेक्स रेड कलर में दिखा रहा है कि कुछ मिस्टेक है यहाँ, तो मैं जानबूझ के कर रहा हूँ, तो बहुत सारे मिस्टेक्स किया। ऐसा हो सकता है
ज्यादा मिस्टेक भी हो सकता है कोई डॉक्यूमेंट में, तो आपको किसी को भेजने किसी इस फाइल को किसी को देने से पहले या भेजने से पहले मेल में आपको स्पेलिंग चेक और ग्रामर चेक करना बहुत जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये पूरा जो है वन बाय वन आप कर सकते हैं, जाकर यहाँ राइट क्लिक करके सजेशन देख सकते हैं, यहाँ राइट क्लिक करके आप सजेशन देख सकते हैं, बहुत ऑप्शन है। लेकिन आप यहाँ भी कर सकते हैं, रिव्यू में जाइए और यहाँ स्पेलिंग और ग्रामर में क्लिक कीजिए, वो दिखाएगा वन बाय वन और उसका सजेशन भी देगा, चेंज क्लिक करो। उसके बाद देखो एक प्रोड्यूस कुछ धारा है, प्रोड्यूस के हिसाब प्रोड्यूस सेलेक्ट करना है हमें, क्योंकि एक प्रोड्यूस था पहले वो, आपको क्या सेलेक्ट करना है आप कुछ चूज कर सकते हैं। अभी देखिए प्रोवाइडिंग है ये, तो चेंज करेंगे, और डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके चेंज करेंगे हम, और कंपैरिजन चेंज कर सकते हैं, और मैनेज लिखना चाहेंगे तो मैनेज सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। तो वो तो बहुत सजेशन देता है, आप चूज करना चाहिए कौन सा करेक्ट है। अब ऐसे सब कुछ चेंज करने के बाद वो बोलेगा स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कम्प्लीट। ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट आप किसी को भेज रहे हैं तो पहले स्पेलिंग चेक और ग्रामर चेक करना बहुत इम्पोर्टेंट है, आप यहां जाकर करेंगे आप। ऐसे हम स्पेलिंग और ग्रामर चेक कर सकते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट में, उसके बाद हम किसी और को भेज सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने स्पेलिंग और ग्रामर देखा, अगले वीडियो में बाकी कुछ सीखेंगे हम। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।